हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूँ। तो हम लोग स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में, ठीक है। तो हम लोगों ने इससे पहले देखा था कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, ठीक है। और अभी हम लोग उस पर बेस कुछ एक क्वेश्चन है और उसके बाद कुछ कंक्लूजन निकालेंगे जो आपके लिए आगे मतलब आने वाले टाइम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्लियर। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर द फॉलोइंग डेटा। आपका स्लॉट दिया हुआ है 36, पोल दिया हुआ है 4 एंड आपका 3 फेज है। तो हमको फंडामेंटल कंपोनेंट और थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले अपन क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, पोल पिच। ओके, पोल पिच कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है स्लॉट अपॉन में पोल, नंबर ऑफ स्लॉट दिया हुआ कितना 36 और पोल दिया हुआ है 4, ये कितना हो गया 9 हो गया, क्लियर। अपने को अब आगे निकालना है, वो निकालना है बीटा, जिसको बोलते हैं स्लॉट एंगल। वो होता है 180 डिग्री अपॉन में पोल पिच। ओके, तो 180 डिग्री अब पोल पिच आ गया 9 और ये हो गया 20 डिग्री, क्लियर। इसके बाद अपने को निकालना है एम, ये होता है स्लॉट पर पोल पर फेज, क्लियर। तो अगर यहाँ से इसकी वैल्यू हम लोग निकाले तो स्लॉट दिया हुआ है 36, पोल दिया हुआ है 4 और आपका 3 फेज है, ठीक है। तो यहाँ से एम की वैल्यू कितनी आ जाती है, यहाँ से एम की वैल्यू आती है 3, क्लियर। तो अपने को अब क्या निकालना है, फंडामेंटल कंपोनेंट कैलकुलेट करना है और थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कि अपने को पता है कि केडी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है साइन एम बीटा बाई 2 और एम साइन बीटा बाई 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मतलब आपका कंपोनेंट की बात हो रही है, ठीक है। हार्मोनिक इंट्रोड्यूस है तो सिंपल हम लोग ने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे हम लोग एन लगा देंगे, ठीक है। और जैसे फंडामेंटल कंपोनेंट है तो एन की जगह पे 1 रख देंगे, अगर थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट है तो एन की जगह पे हम लोग 3 रख देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ भी हम लोग क्या कर देंगे, एन लगा देंगे और यहाँ भी हम लोग एन लगा देंगे, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए आप, अपन एक चीज़ कैलकुलेट करते हैं, तो अपने को कैलकुलेट करना है KD1, ठीक है। तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, 1 रख देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साइन और एन की जगह पर हम लोग 1 रख देंगे तो आपका हो जाएगा एम बीटा बाई 2 अपॉन में एम साइन, एन की जगह पे 1 रख देते हैं हम लोग, बीटा बाई 2, ठीक है, बीटा बाई 2। तो देखिए यहाँ पे कि अगर हम लोग KD1 कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, साइन एम की वैल्यू कितनी है 3 और बीटा की वैल्यू आई है 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और एम की वैल्यू है 3। ओके, साइन 20 डिग्री बाई 2, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं KD1, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0.95, ठीक है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.95। उसी तरीके से अगर हम लोग KD3 निकालें तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू क्या रख देंगे, उसकी वैल्यू रख देंगे हम लोग 3, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा साइन 3, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे n है, ठीक है, तो वहाँ वहाँ पे हम लोग n की वैल्यू 3 रख देंगे, ठीक है। और m की वैल्यू है 3 × 20 बाई 2, ठीक है, 3 sin 3 और 20/2 sin β/2, ठीक है। जब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0.6। इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 0.6, ठीक है। तो एक यहाँ से एक अपने को रिलेशन निकल के आया है, ठीक है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के केस में क्या होता है, KD1 > KD3 > KD5 ... KD6
KDN, ठीक है। तो अपने को ये ध्यान में रखना है, ठीक है, कि यहाँ से हम लोगों ने दोनों कंपोनेंट कैलकुलेट कर दिया। आपका फंडामेंटल कंपोनेंट कितना है, 0.95, और थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट आपका आ गया 0.6। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आया कि इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, ठीक है, फंडामेंटल हार्मोनिक कंपोनेंट इज ग्रेटर देन थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट, ग्रेटर देन फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ से इस रिलेशन को अपने को याद रखने की जरूरत है, क्लियर, देखिए, ठीक है, यहाँ से अपने को इसको बिल्कुल याद रखने की जरूरत है, क्लियर। अब हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग आगे बात करते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो फोर कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग, फोर कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग के केस में हम लोगों ने डिस्कस किया था, कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग के केस में क्या होता है कि एम की जगह पे हम लोग हमेशा क्या रखते हैं, पुट वन पुट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग के डी वन कैलकुलेट करें, ठीक है, के डी वन कैलकुलेट करते तो जहाँ जहाँ आपका फंड एम है वहाँ पे वन रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका हो जाएगा साइन, ठीक है, एन के फंडामेंटल कंपोनेंट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो कि ये हो जाएगा आपका बीटा बाई टू, एक मिनट देखिए, आपको कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं। अगर के डी एन का फॉर्मूला हो गया साइन एन एम बीटा बाई टू अपॉन में एम साइन एन बीटा बाई टू, ये क्लियर है, ठीक है, इसमें हार्मोनिक रिड्यूस है। अब अपने को क्या करना है कि साइन, ठीक है, एम की जगह पे क्या रखना है अपने को, फंडामेंटल कंपोनेंट कैलकुलेट करना है तो एन की जगह पे भी वन रखेंगे और एम की जगह पे भी हम क्या करेंगे, वन रखेंगे, ठीक है। और बीटा कितना है, 20 डिग्री है, ठीक है। तो इसको सिंपल हम लोग लिख लें बीटा बाई टू, क्लियर। नीचे देखिए कि एम की जगह पे हम कितना रखेंगे, एम रखेंगे वन रखेंगे, तो यहाँ भी हो गया साइन बीटा बाई टू। अगर दोनों ये कैंसिल आउट होने के बाद आपको क्या बच गया, वन बच गया, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे के डी वन की वैल्यू आ गई वन, ठीक है। अब अगर अपन यहीं से के डी थ्री कैलकुलेट करें तो आपका क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे एन है वहाँ पे थ्री रख देंगे साइन थ्री, और एम की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, वन रख देंगे, ठीक है, बीटा बाई टू, ठीक है, एम की जगह पे हम लोग वन रख देंगे, ठीक है। और तो ये देखिए साइन थ्री बीटा बाई टू, इससे ये क्या, इसकी वैल्यू भी आ गई वन। तो इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग एक रिलेशन निकल के चला आया, के डी वन इक्वल्स टू के डी थ्री इक्वल्स टू के डी फाइव डॉट 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 के डी एन, ठीक है। तो अपने को ये रिलेशन बिल्कुल आपको याद कर करने की ज़रूरत है कि इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग, ठीक है, कि आपका ये आपस में सारे जो हार्मोनिक कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं, ठीक, क्लियर। अपने को इस तरीके से ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि आपका ई एम ए पॉलीगन क्या होता है, क्लियर, देखिए एक बार आगे देखिए आप लोग, ये आपका ई एम ए पॉलीगन है, ठीक है, आपका ई एम ए पॉलीगन है, ठीक है। और जो यहाँ पे बीटा है, जो स्लॉट एंगल है, वो उसकी वैल्यू अगर लेस देन 15 डिग्री इसके अंदर होती है, ठीक है। तो इस पे कुछ कंक्लूजन, कुछ पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं उसको। देखिए पहला पॉइंट क्या है, इफ ई एम एफ पॉलीगन शेप इज सर्किल, जब ई एम एफ पॉलीगन का जो शेप है वो सर्किल होता है, देन द वाइंडिंग इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ई एम एफ पॉलीगन का जो अगर सेफ है वो एक सर्किल होता है, तो वो किस तरीके की वाइंडिंग होती है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब एक समान, यूनिफॉर्मली का मतलब एक समान, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है। अगर ई एम एफ पॉलीगन का सेफ एक सर्किल के समान होता है तो वो एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है, क्लियर। आगे पॉइंट देखें, इन द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग एग्जैक्ट साइनसोइडल इंड्यूस्ड वोल्टेज इज ऑब्टेन, इसका फायदा क्या है कि अगर आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है तो उसके द्वारा क्या होता है कि हमको एग्जैक्ट साइनसोइडल इंड्यूस्ड वोल्टेज ऑब्टेन होता है, ठीक है, इस तरीके से। मतलब कि ओवरऑल जो एग्जैक्ट आउटपुट मिलता है कि अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है तो मेरे एग्जैक्ट साइनसोइडल इंड्यूस्ड वेव फॉर्म
हमको ये इंड्यूस्ड वोल्टेज मेरा ऑब्टेंड होता है। क्लियर? आगे देखिए इसमें कि आगे बोल रहा है कि इफ स्लॉट एंगल इज लेस देन 15 डिग्री, अगर आपका बीटा जो है वो लेस देन 15 डिग्री होता है, देन द वाइंडिंग इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। बीटा की वैल्यू लेस देन 15 डिग्री दे दिया जाए, पूछा जाए किस तरीके की वाइंडिंग है, तो अपने को ध्यान में रखना है कि ये मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की बात हो रही है, ठीक है। और देखिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग अगर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यहाँ पे होता है के डी साइन एम बीटा बाई टू अपॉन में एम बीटा बाई टू इंटू पाई बाई टू, ठीक है। यहाँ पे साइन बीटा बाई टू है वो लगभग अप्रॉक्स बीटा बाई टू के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि बीटा की वैल्यू वेरी स्मॉल होती है। अब देखिए इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ। के डी बराबर क्या होता है? साइन एम बीटा बाई टू और एम साइन बीटा बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका बीटा बाई टू है, बीटा बाई टू है, ठीक है, वो अप्रोक्स बीटा बाई साइन बीटा बाई टू है वो क्या है, बीटा बाई टू के इक्वल है भाई, क्योंकि बीटा के वैल्यू क्या है, वेरी स्मॉल है। तो देन इसी को इस फॉर्म में लिख दिया गया साइन एम बीटा बाई टू, ठीक है, और एम और इस पूरे फंक्शन को हम लोगों ने लिख दिया कि बीटा बाई टू। क्लियर? और देन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर अपने को चाहिए, तो यहाँ पे पाई बाई टू से हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए आप लोग इसको, ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।